नहीं डरती। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो चाचा। प्रणाम साहब। हेलो कंट्रोल रूम। क्यों बेटी रो रही हो? गनी तुम्हें नहीं मार सका इसलिए। उसने जो काम अधूरा छोड़ दिया था मुझे करने को बोला है। 5 करोड़ मिले हैं और 5 जन्म पुलिस की नौकरी करके भी इतना रुपया कमाना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा लेकिन इल्जाम गनी पर ही जाएगा। सॉरी बिटिया, माफ करना। डिफेंस लॉयर के सबूतों के आधार पर शांति बाबा आश्रम में हुए हादसे में लतीफ खान अलियास खान भाई का ही हाथ है ऐसा अदालत मानती है। इसलिए अदालत खान भाई को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करने का आदेश सीबीआई को सौंपती है। ये अदालत पूरी तहकीकात के लिए 3 महीने का वक्त देती है। तुम रो क्यों रही हो? सब लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। किस पर भरोसा करूं कुछ समझ नहीं आता। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं, मगर जिसने मुझे जीने की राह दिखाई आज वही मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। दुश्मन अब दोस्त बन गया है। जीने की तमन्ना और बढ़ गई। उतरो, बाहर निकलो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? उतरो। उस जीप में जाना हम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं। मेरी बात सुनो इंदु, तुमने कोर्ट में गवाही दी है इसलिए तुम कहां हो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उनको तुम्हारे बारे में अगर पता चला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पढ़ाई से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। रहने वाली कहां की हो? आगरा। तभी मुझ पे नहीं गोरी तेरा जादू चलेगा।